रामलाल महतो जी हमारे डुमरा प्रखंड के एक प्रगतिशील किसान हैं। शुरू से ही वो तकनीक आधारित खेती प्रणाली का यूज करते हैं। इसी के तहत उन्होंने हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर का आवेदन किया था। आवेदन के फलस्वरूप उनके यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है और हम लोगों ने जब विजिट किया था तो देखा था कि वो अलग अलग सब्जियों की खेती इस स्प्रिंकलर आधारित सिंचाई पद्धति से करते हैं। उससे न केवल उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, अब तो उनका जो क्वालिटी है क्वालिटी भी अच्छा हुआ है। और सबसे अच्छा बात है कि वो ऑफ सीजन सब्जी का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण उनको मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिल रहा है। सेकेंड बात है कि वो इसके लिए पूरी ऊर्जा का उपयोग सौर ऊर्जा से कर रहा है। इसके लिए अलग से उन्होंने किसी प्रकार का बिजली का कनेक्शन नहीं ले रखा है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके वो मोटर चलाते हैं, उस मोटर से पूरे स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी पहुंचता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। रामलाल महतो जी हमारे डुमरा प्रखंड के ही मिर्चिया गांव के एक प्रगतिशील कृषक है और वो खास करके अपना सब्जी उत्पादन में विशेष दिलचस्पी रखते हैं और वो बैंगन, फूलगोभी, बंदा गोभी, प्याज इत्यादि की खेती करते हैं। और साथ ही उन्होंने अपना सिंचाई के लिए एक सोलर पंप सेट भी लगाए हुए हैं, जो जहां उनको ब्रेडा अनुदान मिला है। और साथ ही हमारे उद्यान विभाग से भी उनको सब्जी के लिए विभिन्न समय पर उनको सहायता प्रदान स्कीम के तहत सहायता प्रदान की गई है। और वो उनके फील्ड पर गए भी थे तो वो एक एकड़ से लगभग 1.5 लाख रुपये वो सालाना बचत कर लेते हैं सब्जी उत्पादन से। और वो सब्जी उत्पादन करके एक अगल बगल के किसानों का भी अभी मिसाल कायम कर रहे हैं कि वो अपने कैश क्रॉप के रूप में सब्जी उत्पादन कर विशेष आर्थिक आमदनी कर सकते हैं। और साथ ही इनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और ड्रिप और स्प्रिंकलर भी मिला है, जो वो सोलर पंप की सहायता से ही चलाते हैं। यानी इनको कोई डीजल का खर्च नहीं होता है, सोलर पंप से उनका सिंचाई का काम आसानी से हो जाता है।